आज का विषय है प्रोसीजर फॉर एग्जामिनिंग विक्टिम ऑफ रेप एंड एक्यूज्ड एंड आईपीसी रिलेटेड टू सेक्सुअल ऑफेंसेस। पार्ट वन में हमने सेक्सुअल ऑफेंसेस की डेफिनेशन, टाइप्स, रेप की डेफिनेशन, उसका डिस्क्रिप्शन देखा। एग्जामिनेशन ऑफ विक्टिम ऑफ रेप। प्रिकॉशन वाइल एग्जामिनिंग द विक्टिम ऑफ रेप। जब रेप पीड़िता का एग्जामिनेशन परीक्षण किया जा रहा होता है, उस समय हमें निम्न प्रिकॉशंस या सावधानियां पर ध्यान देना चाहिए। पहला है रिक्वेस्टेशन, जिसे हम यदि याचना कहते हैं। नो एग्जामिनेशन कैन बी कंडक्टेड विदाउट अ प्रॉपर रिटन रिक्वेस्ट लेटर फ्रॉम इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या जिसे हम आरक्षी अधिकारी कहते हैं, जिसके अंतर्गत पुलिस या मजिस्ट्रेट होंगे, उनके रिक्वेस्ट लेटर पे, जिसमें कि रेप पीड़िता का एग्जामिनेशन के लिए एक रिक्वेस्ट लेटर होगा, उसको प्राप्त करने के पश्चात ही एग्जामिनेशन करना चाहिए। दूसरा पॉइंट है कंसेंट। इन्फॉर्म्ड कंसेंट ऑफ द गर्ल इफ सी इज अबव 12। यदि वह 12 साल से अधिक उम्र की है तो उसे सूचित करके कि आपका एग्जामिनेशन किया जाएगा और उसकी सहमति लेनी चाहिए, और उसे वह यदि वह कॉन्शियस और मेंटली स्टेबल है तब। यदि ऐसा नहीं है तो उसके गार्जियन से परमिशन या कंसेंट लेना चाहिए। नो पुलिस ऑफिसर आर कोर्ट कैन फोर्स अ गर्ल टू सबमिट हर प्राइवेट पार्ट फॉर एग्जामिनेशन बाय एमओ मेल आर फीमेल। किसी भी पुलिस ऑफिसर या कोर्ट कोई अधिकार नहीं है कि वह किसी गर्ल को अपने प्राइवेट पार्ट किसी मेल या फीमेल मेडिकल ऑफिसर से एग्जामिनेशन कराने के लिए फोर्स कर सके। इसके बाद आता है प्रोसीजर फॉर एग्जामिनिंग विक्टिम ऑफ रेप। रेप पीड़िता का एग्जामिनेशन करते समय कौन कौन से प्रोसीजर्स हैं। पहला है प्रीलिमिनरी डेटा, जिसे हम कहेंगे प्रारंभिक जानकारी। सेकंड है हिस्ट्री, हिस्ट्री में भी हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट एक्ट, पास्ट एंड फैमिली हिस्ट्री, प्रेजेंट पर्सनल हिस्ट्री एंड फ्रॉम अदर एकॉम्पेनीमेंट्स। हिस्ट्री में पहला पॉइंट आता है हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट एक्ट। रेप पीड़िता के साथ जो घटना घटी है उसके बारे में जानकारी लेना। तो विक्टिम शुड बी इनकरेज टू नरेट द होल इंसिडेंस सीक्वेंस वाइज एज इट अकर्ड, अवॉइडिंग एज फॉर एज पॉसिबल क्वेश्चनिंग। रेप पीड़िता को उसके साथ जो घटना घटी है उसकी सारी जानकारी सीक्वेंस वाइज बताने के लिए प्रेरित करना चाहिए, और उससे किसी भी तरह की क्वेश्चनिंग करने से बचना चाहिए। पास्ट एंड फैमिली हिस्ट्री में हमें देखना है कि उसके कोई एनिमिटी या जेलसी विथ अक्यूज, अक्यूज के साथ कोई उसकी दुश्मनी या जेलसी तो नहीं थी। सी पर्सनल हिस्ट्री में हमें देखना होगा कि जो रेप पीड़िता है उसका एजुकेशन क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, उसका लास्ट मेंस्ट्रुएशन की डेट क्या थी, हिस्ट्री ऑफ मैरिटल स्टेटस, ये मैरिड है या अनमैरिड है। इसके बाद हिस्ट्री फ्रॉम अदर एकॉम्पेनीमेंट्स, उसके जो दूसरे साथी हैं, सहयोगी हैं, उनके बारे में, उनसे भी, उनकी भी हिस्ट्री लेनी चाहिए। इसके बाद आता है लोकार्ड प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज। लोकार्ड का एक सिद्धांत होता है जिसे प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज के नाम से जाना जाता है, विनिमय सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार एच पर द प्रिंसिपल व्हेन एवर टू बॉडीज कम इन कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर, जब दो बॉडी एक दूसरे के संपर्क में आती हैं
तो देयर इज, जब दो बॉडी या वस्तुएं दूसरे के संपर्क में आती हैं तो देयर इज एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द टू एंड सो अ क्रिमिनल कैन बी लिंक टू द क्राइम। जब एक दूसरे के संपर्क में आती हैं तो वो अपनी चीज़ों का एक दूसरे को आदान और प्रदान करती हैं जिससे कि क्रिमिनल का लिंक मिल सकता है। इन केस ऑफ रेप, ये सिद्धांत रेप के केस में लागू होता है। इन केस ऑफ रेप पीस ऑफ क्लॉथ्स, बटन, हेयर, एपिडर्मिस, ब्लड, सलाइवा, सीमेन और स्मिग्मा फ्रॉम एक्यूज्ड मे बी फाउंड इन द बॉडी ऑफ विक्टिम। एक्यूज की ये सारी चीज़ें विक्टिम में मिल सकती हैं एंड कन्वर्सली क्लॉथ्स, बटन्स, हुक्स, हेयर, एपिडर्मिस, ब्लड, सलाइवा, वजाइनल सेल्स एंड सिक्रीशंस मे बी फाउंड ऑन द बॉडी ऑफ एक्यूज्ड। तो इस सिद्धांत के आधार पे एक्यूज से बिलोंगिंग चीज़ें विक्टिम में और विक्टिम से बिलोंगिंग चीज़ें एक्यूज में मिल सकती हैं जिससे कि हमें क्राइम डिटेक्ट करने में आसानी होगी। इसके बाद एग्जामिनेशन ऑफ क्लॉथ्स कंफर्म दैट क्लॉथ्स आर नॉट चेंज। क्लॉथ्स का एग्जामिनेशन करने के पहले कंफर्म कर लेना चाहिए क्लॉथ चेंज नहीं किया गया है। क्लॉथ शुड बी एग्जामिन ट्वाइस, क्लॉथ्स को दो बार एग्जामिन करना चाहिए। वंस व्हेन दे आर ऑन हर बॉडी, जब उसने कपड़े पहने हुए हैं, एंड अगेन आफ्टर बीइंग रिमूव बाय हर, और दूसरी बार उसको निकाल देने के पश्चात फॉर हमें देखना है फॉर टीयर्स, एनी स्टेन्स, मड, कोई धब्बा तो नहीं है, कीचड़ है, घास है, ब्लड है, या सीमन या कोई फॉरेन बॉडी लाइक प्यूबिक हेयर, पीस ऑफ बटन या क्लॉथ फ्रॉम एक्यूज्ड, उसे देखने के लिए। ऑल स्टेन्स एंड फॉरेन बॉडीज आर प्रिजर्व फॉर एग्जामिनेशन इन एफएसएल। सारे स्टेन्स को और फॉरेन बॉडीज को प्रिजर्व करके फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में एग्जामिनेशन के लिए भेजना चाहिए। एग्जामिनेशन ऑफ बॉडी, बॉडी ऑफ विक्टिम इज एग्जामिन्ड फॉर जनरल बोल्ट, विक्टिम रेप पीड़िता का जनरल बोल्ट देखना चाहिए। इंटॉक्सिकेशन, जनरल बोल्ट में हम क्या देखेंगे, उसका हाइट, वेट, ठीक है। इसके बाद इंटॉक्सिकेशन में वेयर सी इज अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रिंक्स एंड ड्रग्स, मेंटल कंडीशन, वेदर अनकॉन्सियस, एक्साइटेड, डिप्रेस्ड और फ्राइटेंड, डरी हुई तो नहीं है, अचेतन तो नहीं है, ज़्यादा एक्साइटेड तो नहीं है, डिप्रेस्ड, ये देखना। ऑर्नामेंट्स, एग्जामिन द ऑर्नामेंट्स, ग्लास बैंगल्स एंड चप्पल्स मे बी मिसिंग आर डैमेज्ड, या तो डैमेज होंगे या मिसिंग होंगे, वो देखना। गेट देखना, उसकी गेट चाल कैसी है, बिकॉज इन फोर्सफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स स्पेशली ऑन वर्जिन द गेट बिकम्स पेनफुल। वर्जिन में पेनफुल इंटरकोर्स होने की सेक्सुअल इंटरकोर्स होने से जो गेट है वो पेनफुल हो जाता है, उससे भी एक आइडिया मिलता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स देखना, एज इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो डिटेल्ड एग्जामिनेशन डन इफ सी इज़ लेस देन 16, यदि वह 16 साल से कम उम्र की है तो उसका डिटेल्ड एग्जामिनेशन करना चाहिए। नेल्स देखना चाहिए, कोई डैमेज तो नहीं है, ब्लड तो नहीं लगा है, एपिडर्मिस देखना, फॉरेन बॉडी नेल्स में, इंजुरीज ड्यू टू स्ट्रगल्स, इंजुरी हो सकती है ड्यू टू स्ट्रगल की वजह से इंजुरी हो सकती है, उसको चेक करना। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट होता है एग्जामिनेशन के प्रोसीजर में, एग्जामिनेशन ऑफ जेनिटल्स। द जेनिटल्स शुड बी एग्जामिन्ड एज अर्ली एज पॉसिबल, जितना जल्दी से जल्दी हो सके जेनिटल्स का एग्जामिनेशन करना चाहिए। इन द प्रेजेंस ऑफ फीमेल नर्स या अटेंडेंट,
फीमेल नर्स या अटेंडेंट होनी चाहिए एग्जामिनेशन करते समय। पोजीशन लिथोटॉमी या जैसे नीचे पोजीशन कहते हैं उस पोजीशन में होना चाहिए और इन अ गुड लाइट, अच्छी लाइट होनी चाहिए। इसमें हमें देखना क्या है, अ लोकल साइन ऑफ वायलेशन, लोकल साइन कोई हिंसा का चिन्ह तो नहीं दिख रहा है उस पर, वो देखना चाहिए। एविडेंस ऑफ स्पर्मेटोजोआ इवन इफ सेमिनल इमिशंस हैज अकर्ड, स्पर्मेटोजोआ में नॉट बी फॉर्म्ड। सेमिनल इमिशंस होने के बाद भी स्पर्मेटोजोआ कुछ केसेस में नहीं मिलता है, जैसे यदि वैसेक्टॉमी हो गई है कि उसकी या स्पर्मिया या ओलिगोस्पर्मिया का केस है, तो जब स्पर्मेटोजोआ नहीं डिटेक्ट होता है उस कंडीशन में सीमेन को कंफर्म करने के लिए हम एसिड फॉस्फेटेज लेवल को देखते हैं। यदि एसिड फॉस्फेट लेवल वजाइना में 10 किंग एमस्ट्रांग यूनिट पर एमएल से ज़्यादा है तो वह सीमेन की उपस्थिति को दर्शाता है। इसके बाद एविडेंस ऑफ एसटीडी देखना चाहिए जेनाइटल एग्जामिनेशन में, और इंजरीज ऑफ जेनाइटेलिया देखना चाहिए। इसके बाद ओपिनियन, ओपिनियन में हमें विशेष ध्यान देना चाहिए क्योंकि रेप इज अ क्राइम नॉट अ मेडिकल डायग्नोसिस। रेप एक क्राइम है, कॉग्नाइजेबल क्राइम है, एक संगीन अपराध है, ना कि एक मेडिकल डायग्नोसिस। इसलिए द ओपिनियन शुड नेवर इंक्लूड द वर्ड रेप, अपने ओपिनियन में वर्ड रेप यूज़ नहीं करना चाहिए। नेसेसरी मटेरियल शुड बी प्रिजर्व्ड एंड सेंड टू FSL फॉर फर्दर एग्जामिनेशन। नेसेसरी जो मटेरियल्स हैं उनको प्रिजर्व करके फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में एग्जामिनेशन के लिए भेजना चाहिए। अ विजिट टू सीन ऑफ क्राइम हेल्प फ्रॉम बेटर ओपिनियन। सीन ऑफ क्राइम का जहाँ पे वो घटना घटी है वहाँ पे विजिट करने से ज़्यादा अच्छा ओपिनियन। एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड इन रेप, फॉर एनी एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड, रेप का जो आरोपी है या अभियुक्त है उसका एग्जामिनेशन करते समय रिटर्न इन्फॉर्म कंसेंट अनिवार्य है, लिखित सहमति, और यदि वह सहमति देने से मना करता है तो उससे ज़बरदस्ती भी एग्जामिनेशन किया सकता है सेक्शन 53(1) CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत। इसमें हमें प्रिलिमिनरी डेटा उसकी सारी प्रारंभिक जानकारी लेनी चाहिए एग्जामिनेशन करते समय। हिस्ट्री, प्रेजेंट हिस्ट्री, जैसा कि विक्टिम के एग्जामिनेशन में जो पॉइंट्स आए थे वो सारे एक्यूज के एग्जामिनेशन में भी आएंगे। हिस्ट्री में वही प्रेजेंट हिस्ट्री, पास हिस्ट्री, पर्सनल हिस्ट्री, हिस्ट्री फ्रॉम एकम्पेनमेंट्स। इसके बाद एग्जामिनेशन ऑफ क्लॉथ्स ऑफ एनी टीयर्स स्टेन्स फॉरेन बॉडी, क्लॉथ्स का एग्जामिनेशन करना स्टेन्स टीयर्स फॉरेन बॉडी देखने के लिए। इसके बाद बॉडी एग्जामिनेशन ऑफ बॉडी, बॉडी का एग्जामिनेशन, फिजिकल डेवलपमेंट देखना जैसे हाइट वेट इंटॉक्सिकेशन, एज के लिए एग्जामिनेशन ऑफ टीथ एंड बोन। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट है एग्जामिनेशन ऑफ जेनाइटल, सेम वही पॉइंट है जो विक्टिम के एग्जामिनेशन में है। इसके बाद आता है एग्जामिनेशन ऑफ जेनाइटल्स, तो फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ जेनाइटल्स देखना चाहिए, कंजेनाइटल एनोमली देखना चाहिए। इसके बाद प्रेजेंस ऑफ स्मिग्मा, प्रेजेंस इंडिकेट दैट ही इज़ नॉट इन्वॉल्व इन रिसेंट सेक्सुअल इंटरकोर्स। द स्मिग्मा क्या होता है, यदि स्मिग्मा प्रेजेंट है इसका मतलब यह है कि वह प्रेजेंट सेक्सुअल इंटरकोर्स में इन्वॉल्व नहीं था। बिकॉज द स्मेग्मा इज अ चीजी सिक्रेशन प्रेजेंट अंडर प्रिप्यूज ऑफ पेनिस। एक चीजी सिक्रेशन होता है जो कि प्रिप्यूज ऑफ पेनिस में प्रेजेंट होता है। इट गेट्स डी डिपॉजिट विद इन 24 आवर्स, ये 24 आवर्स में फिर से डिपॉजिट हो जाता है इफ नो बाथ इज टेकन। एनी इंजुरीज देखना,
ओपिनियन क्या देंगे, डिटेल इंजरीज ऑन हिज क्लॉथ्स एंड बॉडी, उसके डिटेल्स ऑफ इंजरीज, उसके बॉडी जो इंजरीज दिख रही हैं वो, उसके क्लॉथ्स के संबंध में, बॉडी के संबंध में डिटेल्स देना अपना। अब विजिट टू सीन ऑफ क्राइम हैव बेटर ओपिनियन, जहाँ पे वह घटना घटी है वहाँ पे विजिट करने से बेहतर अपना मत दिया जा सकता है। वेदर ही हैज़ इन्वॉल्व हिमसेल्फ इन सेक्सुअल इंटरकोर्स, और यदि वह स्वतः सेक्सुअल इंटरकोर्स में IPC रिलेटेड टू सेक्सुअल ऑफेंसेस, यौन अपराध से संबंधित जो IPC है, IPC मीन्स इंडियन पिनल कोड 1860, इट प्रिस्क्राइब द पनिशमेंट फॉर डिफरेंट क्रिमिनल ऑफेंसेस, ये विभिन्न प्रकार के अपराधों के लिए पनिशमेंट निर्धारित करता है। एज पर सेक्शन 375 IPC रेप डिफाइंड, IPC 375 में रेप को परिभाषित किया गया है। क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 अपडेटेड रेप डेफिनेशन, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट 2013 में रेप की परिभाषा को अपडेट किया गया, जो पार्ट वन में आप लोगों ने देखा है। इसके बाद सेक्शन 376 IPC 376 पनिशमेंट फॉर रेप, 7 साल की सज़ा, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट, आजीवन कारावास और फाइन। इन गैंग रेप, कस्टडियल रेप ऑन चाइल्ड लेस देन 12 एंड ऑन प्रेग्नेंट 10 ईयर ऑफ लाइफ एंड फाइन। गैंग रेप के केस में, कस्टडियल रेप के केस में, चिल्ड्रंस में और 16 साल से कम उम्र के बच्चियों में और प्रेग्नेंट में रेप के केस में 10 साल की सज़ा, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट और फाइन है। इंडिया में जो पनिशमेंट का जो टाइप है, पनिशमेंट गिवन बाय लॉ, तो या तो लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट की सज़ा हो सकती है या डेथ सेंटेंस, हैंगिंग या फाइन हो सकता है, या दोनों हो सकते हैं। इसके बाद सेक्सुअल इंटरकोर्स विद वाइफ ड्यूरिंग सेपरेशन अप टू 2 ईयर्स एंड फाइन, सेपरेशन के समय, सेपरेशन के एक दूसरे से अलग हो जाने के बाद यदि सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाता है तो 2 साल की सज़ा और फाइन है। सेक्शन 377 अननेचुरल सेक्सुअल ऑफेंस के लिए है, इसमें 10 साल की सज़ा, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट, आजीवन कारावास और फाइन है। सेक्शन 493 प्रोहिबिशन बाय डेसिटफुली इंक्लूडिंग फॉल्स बिलीफ ऑफ मैरिज अप टू 10 ईयर्स एंड फाइन। सेक्शन 493 में यदि कोई पर्सन किसी महिला को धोखे में रख करके कि मैं शादी करूंगा तुमसे और अपने साथ रखता है, उस कंडीशन में उसे 10 साल की सज़ा और फाइन का प्रावधान है। सेक्शन 497 अडल्ट्री, इसमें 5 साल की सज़ा, फाइन या बोथ है। सेक्शन 498 ए क्रुएलिटी बाय हस्बैंड ऑन हिज रिलेटिव्स अप टू 3 ईयर्स एंड फाइन, हस्बैंड के द्वारा अमानवीय व्यवहार, क्रुएलिटी किए जाने पर 3 साल की सज़ा और फाइन है। सेक्शन 228 ए IPC डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ विक्टिम ऑफ रेप एन ऑफेंस, रेप पीड़िता की पहचान को ओपन करना एक अपराध है और इसमें 2 साल की सज़ा और फाइन हो सकता है। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।